अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं टेक्निकल 47, मैं हूं जेबी बल 47। तो दोस्तों, हमेशा की तरह एक नए वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, जो आज हम वीडियो बनाना सीखेंगे उसका उसका डेमो जो है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इस तरह का ग्लास, जो ग्लास वाला नेम है, वो आप लिख सकते हैं अपने मोबाइल पर। बहुत ईजी है दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा किस तरह आपने लिखना है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन चाहिए होगा, अलर्ट मोशन। ठीक है जी, वो वाला अलर्ट मोशन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो में, इसकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो आपको मिल जाएगा। आप उधर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना दोस्तों। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की जान। दोस्तों, आपने सबसे पहले अलाइट मोशन एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन कर लेना। मैंने डाउनलोड किया हुआ, मैंने ओपन कर लिया है। उसके बाद आपने प्लस वाले आइकन पे जाना है, इधर जी। इसके बाद आपने ये 9x16 का रेजोल्यूशन कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद आप इधर से जाके क्रिएट प्रोजेक्ट पे कर देना। ठीक है जी, क्रिएट प्रोजेक्ट पे करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। इमेज और वीडियो कोई भी आप लगा सकते हैं। ठीक है जी, मैं ये वाला इमेज इसमें यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला इमेज आपने गूगल से जाके आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का जो लगाना चाहते हैं। ठीक है जी, हमारा इमेज ऐड हो गया। ठीक है जी, इसको हम इधर से पकड़ के, आपके पास ये तीर आगे आ रहा है, इसको थोड़ा ड्यूरेशन जो है हम इसका बढ़ा लेंगे थी, ताकि हमारा वीडियो थोड़ा, नाम जो जितना लंबा नाम हो गया आप उतना, या कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, लाजम नहीं वो नाम लिख सकते हैं, किसी सॉन्ग का लिरिक्स भी लिख सकते हैं आप इसमें। इधर तक रख लिया हमने। ठीक है जी, उसके बाद हम प्लस वाले आइकन पर जाएंगे, तो आपके पास ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा है टेक्स्ट, इसके ऊपर जाके अपने टेक्स्ट अपना ऐड कर देना। ठीक है जी, मैं इधर लिख लेता हूँ अपने चैनल का नाम टेक्निकल 57। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास ये आ रहा है 18 लिखा हुआ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इधर से जाके आपने इसका साइज़ जो है वो थोड़ा बढ़ा लेना है। ठीक है जी दोस्तों, आप इसका साइज़ कोई भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जितना आपकी वीडियो के रेजोल्यूशन के हिसाब से उसमें आ जाए। ठीक है, मैं इसको इधर रख लूँगा थोड़ा। इसके बाद इसका साइज़ हम इधर से थोड़ा और बढ़ा देंगे। ठीक है, इतना साइज़ रख लूँगा मैं, इसको इधर सेंटर पर रख देता हूँ। आप कहीं भी किसी भी पोजीशन में इसको रख सकते हैं। उसके बाद आगे बात फॉन्ट की, आपने ये आपके पास रेगुलर फॉन्ट आ रहा है रोबोटिक। ठीक है जी, इसके बाद आपने व्यू ऑल फॉन्ट पे जाके, मैंने ये फॉन्ट्स लगाए हुए हैं। ठीक है जी, मैंने ये ऑलरेडी इसमें ऐड किए हुए हैं, आप भी जाकर ऐड कर सकते हैं, बहुत ईजी है। एक वेबसाइट है डा फॉन्ट्स का, अगर नहीं मालूम तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है फॉन्ट्स डाउनलोड करने के लिए, किस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में गूगल से। तो दोस्तों, ये फॉन्ट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, अभी जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है जी, इधर से मैं ये वाला फॉन्ट इसमें ले लूँगा। ठीक है जी, ये फॉन्ट को मैंने ले लिया, इसके बाद मैं इधर से इसको ग्रुप पे जाके ओके कर लूँगा। ठीक है, अभी इसका मैं ड्यूरेशन भी इस पिक्चर के हिसाब से, जितना हमारा पिक्चर का ड्यूरेशन था उसके हिसाब से इधर से हम पकड़ के इसको आगे तीर है इससे भी ऊपर क्लिक करके आपने इसको आगे देते जाना है। तो आपका जो ड्यूरेशन है वो पिक्चर के हिसाब से आपने रख लेना है, जितना आपका पिक्चर है। ठीक है जी, मैं इसको इधर तक मेरा पिक्चर है। ठीक है, इसको मैं इधर से जाके पहले टेक्स्ट पे क्लिक करके आपने ये वाला ट्रिम ट्रिम वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर कट कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर जाके आपने ट्रिम वाले पे कर देना है, तो दोनों एक साथ बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है जी, आपके टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये बॉर्डर और शेडो का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है जी, बॉर्डर और शेडो, इसके ऊपर आपने जाके इधर से इसको स्ट्रोक दे देना है। ठीक है जी, इसके इधर से जाके आपने इसको इधर से इनेबल कर देना है स्ट्रोक को। उसके बाद आप जाके कोई भी कलर इस स्ट्रोक, इसका जो स्ट्रोक आपको देख नज़र आ रहा है कि इसको बोलते हैं स्ट्रोक, टेक्स्ट का जो स्ट्रोक है आप कोई भी लगा सकते हैं किसी भी कलर का। ठीक है जी, मैं इधर ब्लैक कलर का रख लेता हूँ। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है जी, हम वाइट लगा लेते हैं। ठीक, सॉरी, हमारे पिक्चर के हिसाब से वाइट बराबर नज़र आएगा इसमें। उसके बाद आप स्क्रीन पे गेम टच करेंगे तो इनको चला जाएगा। उसके बाद फिर आपने टेक्स्ट पे करना है, तो आपके पास ये कलर और फिल वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर जाना है। उसके ऊपर जाने के बाद आपने इधर ये वाले डब्बे पे आपने क्लिक करना है, तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। इसको आपने बिल्कुल नीचे जीरो पे कर देना है, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो उसका अंदर से जो कलर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है जी, इसको आपने इधर रख देना, फिर आप कहीं भी स्क्रीन पर दूसरी जगह में क्लिक कर देना। ठीक है जी, हमारा इधर तक वीडियो हो गया कम्प्लीट। उसके बाद आपने फिर टेक्स्ट पे करना है, अभी जो मेन चीज़ है दोस्तों। उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करना है आपने, तो इधर आपके पास एक इफेक्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है, इफेक्ट पे आपने जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद आपने ऐड इफेक्ट कर देना है। ठीक है जी, ऐड इफेक्ट पे करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने ये ड्राइंग लिखा हुआ है, ड्राइंग लिखा हुआ है, ड्राइंग, इसके ऊपर चले जाना है। ठीक है जी,
उसके बाद आपने ये वाला ड्राइंग प्रोग्रेस वाला इफेक्ट जो है, ठीक है जी, इसको ऐड करना है। ये ड्राइंग इफेक्ट वाला हमारा ऑप्शन ऐड हो गया। उसके बाद आपने करना क्या है जी, ये एंड पे क्लिक कर देना। एंड पे क्लिक करने के बाद आपने ये इसके आपके पास इधर ये प्लस वाला एक आइकन हमारा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है जी। प्लस वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर आपने थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है जी, यही मेन चीज़ है इस वीडियो की। तो इसको हम इधर से स्वाइप करते जाएंगे, ठीक है जी, अपनी फिंगर के साथ इधर से स्वाइप करते जाएंगे। तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल रिमूव होता जा रहा है, फुल एंड तक स्वाइप कर देंगे हम, ठीक है जी। उसके बाद आपने किसी चीज़ को टच नहीं करना, आपने अपने टेक्स्ट को इधर से पकड़ के इधर तक एंड तक मतलब रखना है आपने, ठीक है जी, इधर तक रख लेता हूँ मैं, चाहे आप एंड तक भी रख सकते हैं, ठीक है। इधर तक रखने के बाद आपने फिर ये आपके पास ये प्लस वाला आइकन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, ठीक है जी। देखें इधर डॉट लग गया, प्लस लग गया। उसके बाद फिर आपने इसको इधर की साइड को स्वाइप करते जाना, ठीक है जी। तो देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल लिखना स्टार्ट कर दिया उसके ऊपर। उसके बाद फुल एंड तक स्वाइप करते जाएंगे हम, ठीक है जी। फुल एंड तक स्वाइप करने के बाद आप कहीं भी स्क्रीन पर दूसरी जगह टच कर देंगे तो ये आपका टेक्स्ट जो है ऊपर से चला जाएगा आपका इंटरफेस। तो अभी हम इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारा वीडियो बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल कंप्लीट प्रोफेशनल तरीके से आ गया। लास्ट नेम जो है वो आपका, ठीक है जी। उसके बाद आप इधर से जाके इस पर कोई ऑडियो भी लगा सकते हैं अपनी मर्जी का, ऑडियो पे जाके, ठीक है जी। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना दोस्तों, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।